हेलो फर्स्ट क्लास किड्स किड्स, आज हम क्या करेंगे? हिंदी हिंदी। ओके, आज नहीं, अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले अपनी हिंदी की बुक जो है वो ओपन करोगे। हिंदी की बुक का नेम क्या है? हिंदी टू, हिंदी टू। ओके, उसके बाद आप अपना पेज टर्न करोगे। ओके, आज हम करेंगे फर्स्ट लेसन, ठीक है, पार्ट वन, जिसके सूरज की किरणें। ये क्या है? एक कविता है। क्या है? कविता है। ओके, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसके सूरज की किरणें नित सोना साबर साती हैं, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती हैं। ठीक है, जिसके सूरज की किरणें नित सोना सा बरसाती हैं। जब सूरज की किरणें निकलती हैं, ठीक है, जब सूरज निकलता है, उसकी किरणें जब धरती पर पड़ती हैं, ठीक है, तो क्या होता है? एक ऐसे लगता है जैसे गोल्ड गोल्ड बिखरा पड़ा है, सोना बिखरा पड़ा, ठीक है, सोना सा बरसाती हैं। ठीक है, फूल खिलाती ओस पनों को मोती सा चमकाती हैं। फूल खिलाती, जब सूरज की किरणें फूलों की कलियों पर पड़ती हैं, वो क्या होते हैं? खिल जाती हैं। ठीक है, ओस कणों को मोती सा चमकाती है। जब ओस की बूंदें जो होती हैं, ठीक है, उन पर किरणें पड़ती हैं, तो ऐसे क्या लगता है? जैसे मोती चमक रहा होता है। ठीक है, जिसका चांद धुली चांदनी, जिसका चंदा धुली चांदनी देता है, चांदी सी उज्जवल जिसके तारे नभ में करते हैं, करते रहते हैं झलमल झलमल। ठीक है, जिसका चांद, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जिसका चांद जो है धुली चांदनी, ठीक है, देता है कि जब रात को चांद निकलता है तो उसकी रोशनी क्या होती है? बिल्कुल साफ होती है ना, चांदी सी उज्जवल। ऐसे लगता है जैसे चांदी चमक रही होती है, चांदी सी उज्जवल होती है उस टाइम रोशनी। जिसके तारे नभ में करते रहते हैं झलमल झलमल। जिसके तारे नभ क्या होता है? आकाश। आकाश में क्या करते रहते हैं? झलमल, चमकते रहते हैं। ठीक है, जिसकी नदियाँ कलकल करती, जिसकी नदियाँ कलकल करती बहती हैं, रुकती ना कभी, जिसकी पर्वत मालाएं सिर्फ उठा खड़ी, झुकती ना कभी। ठीक है, जिस पे जिस तरह नदियाँ क्या है? बहती रहती हैं, ठीक है, कभी रुकती नहीं है, उनका बहाव क्या है? कभी रुकता नहीं है। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठाकर खड़ी रहती हैं, जहाँ जिस धरती की पर्वतमालाएं जो हैं, पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, पहाड़ जो हैं, खड़े रहते हैं, झुकते नहीं हैं कभी भी। ठीक है, उसके हम सब प्यारे बच्चे उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है? भगवान की बात की गई है। ठीक है, जिसने ये सूरज चांद तारे नदियाँ पर्वत पेड़ हमें बनाया है ना, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं। इस कविता में ऐसी सुंदर चीज़ें बनाने वाले ईश्वर को बच्चों ने क्या किया? प्रणाम किया हुआ है। क्या किया हुआ? प्रणाम किया है। उसके हम सब प्यारे बच्चे, कि हम सब क्या है? उस भगवान के प्यारे बच्चे हैं। उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब क्या करते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। शीश क्या होता है? सिर, सिर झुकाना। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? एक साथ मिलकर अपना शीश झुकाते हैं। ओके, समझ में आ गया ना आप सभी को ये पोएम? ओके, थैंक यू, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।